हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीसी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8 की एक चैप्टर है, चैप्टर 5, भगत सिंह का पत्र पिता के नाम, इसकी हम आपको रीडिंग कराएंगे। और ये एक कविता नुमा चैप्टर है और इसका हम आपको भावार्थ भी समझाएंगे कि भगत सिंह ने अपने पिताजी को जो पत्र लिखा जेल से, जिस समय उनको अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया था क्रांतिकारी होने के नाते, तो उनकी क्या वेदना रही, अपने पिताजी के लिए जो संबोधन में लिखा उनकी क्या जो परेशानियां रही जिसको उन्होंने अपने पिता से प्रकट किया। यानी हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सन 1857 से 1947 तक स्टूडेंट संग्राम चला, यानी कि लड़ाई चली, हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। इसमें बहुत से देशवासी और सैनिक शहीद हुए, यानी जो ये लड़ाई 1857 से 1947 तक चली, इसमें बहुत सारे शहीद हुए। इन्हीं शहीदों में हमारे क्रांतिकारी वीर सरदार भगत सिंह भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के समक्ष कभी भी सिर नहीं झुकाया। तो आइए हम ये कविता के माध्यम से जो कौशल कुमार जी ने लिखी है कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कविता में सरदार भगत सिंह ने अपने पिता को क्या लिखा है। पूज्य पिताजी के चरणों में मेरा अभिनंदन वंदन, यानी कि सरदार भगत सिंह जी अपने पिताजी से लिखते हैं लेटर में कि पिताजी आपके चरणों में मेरा अभिनंदन है, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। और आगे लिखते हैं, कैसे हावी हुआ आप पर पुत्र मोह का यह बंधन, यानी वो पिताजी से शिकायत कर रहे हैं कि पिताजी आप पर ये पुत्र मोह का, क्योंकि सरदार भगत सिंह अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो वो अपने लिए कहते हैं कि पिताजी आप पर मेरे बारे में पुत्र मोह का बंधन कैसे हावी हो गया, यानी मुझे बचाने हेतु अदालत में क्यों अर्जी दे आए। क्योंकि आपको स्टूडेंट्स एक जानकारी दे दें, जब सरदार भगत सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें जब फांसी की सजा के जो सुनाई गई, तो उनके पिता ने अपने बेटे को, यानी किसको, सरदार भगत सिंह को बचाने के लिए एक अर्जी दी थी अदालत में, एक एप्लीकेशन दी थी। तो उसी के लिए सरदार भगत सिंह पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप मुझे बचाने के लिए अदालत में आपने अर्जी क्यों दी। अब आगे शिकायत करते हैं कि देशभक्त परिवार कड़ी में मेरा नाम न जुड़ पाए, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो देशभक्त परिवार है उन कड़ियों में, यानी देशभक्त परिवारों की जो एक श्रृंखला है, जो नाम है, क्या उसमें मेरा नाम ना आने पाए। यानी उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था और वो देश के लिए शहीद होना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने पिता से कहा है कि क्या आप अर्जी दे करके मुझे माफी करा करके आप ऐसा सोचते हैं कि मैं देशभक्त न कहलाऊं, क्षमा करो हे पिता, मुझे करना है निज बचाव नहीं। यार पिता से कहते हैं पिताजी आप मुझे माफ करिएगा, मुझे अपने बचाव में कुछ नहीं करना, ना ही मुझे अपने आप को बचाव के लिए अंग्रेजों से भीख मांगनी है। हम जब साथी एक राह के कहीं तने का लगाव नहीं, यानी जो फांसी चढ़ रहे हैं या जिनको फांसी की सजा हुई है वो सब मेरे साथी हैं और हम लोगों का उद्देश्य एक भी है, कहीं कोई भटकाव नहीं है, हम देश को आजाद कराना चाहते हैं, सभी एक ही रास्ते पर चलने वाले क्रांतिकारी हैं, एक नीति सिद्धांत योजना एक हमारा लक्ष्य पुनीत। आगे सरदार भगत सिंह कहते हैं कि हम लोगों की जितने भी क्रांतिकारी हैं सभी का एक सिद्धांत है, सभी की एक योजना है और सभी का एक लक्ष्य है जिसके तहत हम अपने देश को आजाद कराना चाहते हैं। हमें क्रांति ज्वाला धधकानी देकर बलिदान अभी, यानी कि सरदार भगत सिंह कहते हैं कि हमें निडर हो करके अपना बलिदान देना है और अपने बलिदान के द्वारा देश के अंदर क्रांतिकारी, यानी क्रांति की ज्वाला को भड़काना है ताकि लोग खड़े हों और देश जल्दी से जल्दी आजाद हो। सिवा आपके यदि ऐसा पग लेता उठा अन्य कोई, अब इसमें थोड़ा सा सख्ती से पेश आते हैं अपने पत्र में अपने पिता के लिए सम्मानजनक तरीके से कि पिताजी अगर आपके अलावा ऐसा कोई भी कदम, ठोस कदम या ऐसा कोई भी निर्णय कोई और दूसरा लेता तो। आगे कविता में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर देखिए। कभी न करता क्षमा उसे कहता डरपोक देशद्रोही, पिताजी से कहते हैं कि अगर आपने के सिवा, आपके अलावा अगर मेरी माफीनामे को अंग्रेजों के समक्ष सर झुकाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा काम करता तो मैं उसको डरपोक कहता और देशद्रोही कहता। ठीक है स्टूडेंट्स, आप तो सच्चे देशभक्त हो, क्यों हटते हो उस पद से। और पिताजी आप भी इस जमाने में देशभक्त रहे हैं, अंग्रेजों से लोहा लिया है, देश को आजाद कराने में आपका भी योगदान है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप उस रास्ते से भटक गए। ब्रिटिश जेलों में खुद भोगा पुत्र न भोगे इस मत से, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो कष्ट अंग्रेजों की सरकार में, अंग्रेजों के टाइम में आपने जेलों में उठाया है, जो कष्ट आपने सहे है, क्या उनको आपका बेटा ना सहे। मैं परिचित हूँ एक पिता की मोह भावना ममता से, पिताजी मैं आपसे अच्छी तरह परिचित हूँ,
कि आप पिताजी मेरी मोह भावना, यानी कि मुझसे आपका लगाव है, मुझसे आपकी ममता और आपकी भावना ऐसा करने से आपको प्रेरित कर रही है। पर क्यों होते विमुख आप निज धैर्य शौर्य सक्षमता से, पर पिताजी आप अपने इस रास्ते से क्यों विमुख हो रहे हैं, जबकि आपके पास अपना धैर्य है, शौर्य है, आपकी सक्षमता है, आप उससे मुख मत मोड़िए, आप उससे विमुख मत हो, यानी अपने निर्णय से पीछे मत हटिएगा। धन्य पुत्र जो एक पिता की मुक्ति का कारण बन जाए, पिताजी मैं वो धन्य हूँ जो आपकी मुक्ति का कारण बन सकता हूँ ताकि आपका नाम रोशन हो सके। कितना वह भाग्यशाली जो कोटि कोटि को मुक्ति दिलाए, वो कितना भाग्यशाली होगा पिताजी जो करोड़ों लोगों को इस गुलामी की मुक्ति से, गुलामी की आजादी से मुक्ति दिलाए। गुलाम जो गुलामी होते हैं, गुलाम करते हैं, गुलाम देश हमारा गुलाम था, तो इस गुलामी से करोड़ों लोगों को आजादी दिलाई, यानी मुक्ति दिलाई। देकर पत्र अदालत में क्यों दिखलाते हो दुर्बलता, कोटि कोटि भारत पुत्रों को बंधन तुम्हें नहीं खलता। और अपने आगे पत्र में पिताजी से कहते कि पिताजी आपने अदालत में मेरा माफीनामा पत्र दे करके अपनी कमजोरी को क्यों उजागर किया है कि आपका बेटा देशभक्त नहीं है या आपका परिवार या मेरा परिवार देशभक्त नहीं है। करोड़ों भारत पुत्रों को बंधन तुम्हें नहीं खलता। क्या जो करोड़ों लोग भारत के लोग हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आजाद देश के साथ खड़े हैं, क्या उनको फांसी की सजा हो रही है तो क्या आपको उनका बंधन नहीं खलता। वो भी यानी सरदार भगत सिंह कहना चाहते हैं कि पिताजी जो करोड़ों लोग इस लड़ाई में शामिल हैं, क्या वो भी तो किसी के पिता हैं, वो भी तो किसी के बेटे हैं, क्या उनका आपको ध्यान नहीं आया। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, अर्पित मैं कर चुका ये जीवन भारत की आजादी को। और पिताजी से कहते पिताजी मैं अब अपना जीवन इस भारत की आजादी के लिए समर्पण कर चुका हूँ, मैं अब और जीना नहीं चाहता। इंकलाब के पथ पर चलकर पाऊं इस शहजादी को, माँ बहन भाई किंचित न करें प्रदर्शित कमजोरी। यानी अब पूरे परिवार को लेते हैं, परिवार के बारे में लिखते हैं कि इंकलाब यानी देश को आजादी के लिए जो इंकलाब की ज्वाला हमने उठाई है उसको पा करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और अपनी माँ बहन और भाइयों से कहते हैं कि आप अपनी मेरे शहीद होने पर आप अपनी कमजोरी को कभी भी प्रदर्शित न करें। यह महान उद्देश्य नहीं यह कोई डांका या चोरी है, विदित हमें विदित है प्राण दंड, यह अनिवार्य नियत होगी। यानी यह हमारा महान उद्देश्य है, हम किसी का कोई चोरी नहीं कर रहे, किसी का कोई ढांका नहीं डाल रहे, और यह हमें याद है कि हमारा प्राण दंड यानी कि हमें मृत्यु दंड मिलेगा और यह हमारी अनिवार्य नियति होगी। यानी कि हम अपने प्राणों का नौछावर करके देश को आजाद कराना चाहते हैं, इसके लिए हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, पर आजादी के पथ पर यह निश्चित बड़ी प्रगति होगी। अपने मृत्यु दंड के दिन पावन बलिदान पर्व होगा। सरदार भगत सिंह अपने पिताजी से कहते हैं कि आजादी के रास्ते में ये हमारी सबसे बड़ी प्रगति यानी तरक्की होगी अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो, और हमारे मृत्यु दंड वाले दिन जिस दिन उन्हें फांसी होगी वो दिन बलिदान दिन होगा, बलिदान दिवस होगा, यानी बलिदान का पावन दिन होगा, यानी वो अपने आप को फांसी चढ़ने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपने घर में क्या भारत के घर घर में हर्ष गर्व होगा। और जब हमारा देश आजाद हो जाएगा पिताजी तो हमारे घर में खुशियां नहीं होंगी, भारत का हर नागरिक, हर घर का हर बेटा घर घर में खुशियों से और गर्व महसूस करेगा, हर घर में खुशी होगी। तो स्टूडेंट्स पिताजी को पत्र जो सरदार भगत सिंह ने लिखा काफी ओजस्वी पत्र था और उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रवादी और देश के प्रति लगाव की भावना को उजागर किया। यानी कि एक ऐसा देशभक्त जो अपने प्राणों की बलिदान देकर भी देश को आजाद कराना चाहता है और अपने फांसी के लिए भी अपने फांसी चढ़ने के लिए अपने प्राणों को भी नौछावर कर देता है देश के लिए, वो एक सच्चे क्रांतिकारी, सच्चे देशभक्त ने अपने पिताजी को संबोधन लिखा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे पुनः एक बार रिवाइज करें। थैंक्स।